जेपीजी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है सुपर 30 जीके जीएस सीरीज। और आपको बता दें, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके और जीएस पूछा जा रहा है, चाहे यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस लेखपाल, या फिर बीएचयू, बीएड अथवा बीए एंट्रेंस एग्जाम, जहां कहीं भी जीके जीएस या करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके लिए यह सेशन संजीवनी सिद्ध होगा, ये मेरी गारंटी है। इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके और इसे इस वीडियो को देख सकते हैं। प्रस्तुत है आज का पहला सवाल। कौन सा गवर्नर जनरल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था? जी हाँ, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बीएचयू के नाम से भी जाना गया, इसकी स्थापना की गई थी। और 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड बुलाया गया था। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, जिसका शासनकाल 1910 से लेकर के 1916 तक रहा था, और लॉर्ड हार्डिंग एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में ही महात्मा गांधी पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था। और आपको बता दें, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। अगला सवाल, भारत के पहले भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जो उपराष्ट्रपति भी बने। जी हां, आपको बता दें कि भारत के पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, और ये भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल 1968 से 1970 तक का रहा था। रिटायरमेंट के बाद वर्ष 1979 से 1984 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, और मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल मैंने अभी बताया 1979 से 1984 तक, भारत के 6वें उपराष्ट्रपति थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा, और जाकिर हुसैन साहब भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो कार्यकाल के दौरान ही दुनिया को अलविदा कह गए। उनके मृत्यु पर बीबी गिरी, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति थे, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के कारण जब बीबी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला 1969 में 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाने वाले भी भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हुए। तो क्वेश्चन के अनुसार, भारत के पहले भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जो उपराष्ट्रपति भी बने कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। जबकि भारत के 46वें भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किया गया, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने वाले पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंगनाथ मिश्रा, जो कि 1998 से 2004 तक उड़ीसा से राज्यसभा के सदस्य रहे। अगला सवाल, नेपाल की सीमा पर स्थित नहीं है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की 1751 किलोमीटर सीमा नेपाल के साथ लगती है, और भारत के 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आपको बता दें, यूपी और बिहार के 7-7 जिले नेपाल के साथ लगते हैं, और दिए गए क्वेश्चन के अनुसार हिमाचल प्रदेश से नेपाल की सीमा नहीं लगती है, जबकि पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 5 राज्य हैं जो कि अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करते हैं। नेपाल भारत का वह पड़ोसी देश जहां की 80% से अधिक जनसंख्या हिंदू है, और नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राष्ट्रपति हैं इस समय विद्या देवी भंडारी, और यहां के प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, यानी खड़ग प्रसाद ओली। नेपाल जिसकी संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत,
नेपाल भारत के अलावा अपनी सीमा तिब्बत के साथ साझा करता है। अगला सवाल, भारत में ग्रामीण बैंक का नियामक संस्था है? जी हाँ, भारत में ग्रामीण बैंक जितने भी रीजनल रूरल बैंक हैं उनका नियामक संस्था रेगुलेटरी बॉडी है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई। शिव रमन समिति के सलाह पर ही नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड बोले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और वर्तमान समय में हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के चेयरमैन है, और नाबार्ड ही भारत में ग्रामीण बैंकों की रेगुलेटरी बॉडी है, नियामक संस्था है। भारत में ग्रामीण बैंकों की स्थापना सबसे पहले नरसिंहम समिति की सलाह पर 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था, और आपको बता दें मुरादाबाद में स्थित प्रथमा बैंक भारत का पहला ग्रामीण बैंक था। वर्तमान में गोवा और सिक्किम भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पौधों में गैनोंग पोटोमीटर से मापा जाता है? जी हाँ, पौधों में गैनोंग पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। वाष्पोत्सर्जन पौधों में वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से पत्तियों के द्वारा जल वाष्प को वायुमंडल में उत्सर्जित किया जाता है, जिससे पौधे अपने टेम्परेचर को, अपने तापमान को नियंत्रित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज पदार्थों के माध्यम से भोजन बनाने का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है? जी हाँ, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है जैसलमेर को। जैसलमेर जो कि राजस्थान में स्थित है, और आपको बता दें जैसलमेर एरिया के आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, जबकि जोधपुर को ब्लू सिटी अथवा सन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, और जोधपुर भारत का क्षेत्रफल के आधार पर छठवां सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान भारत का वह राज्य है जो सबसे अधिक 1048 किलोमीटर अपनी सीमा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र से लगते हैं। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला के एलोरा गुफा संख्या 16 में स्थित है, जिसे 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। किसी एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसे द्रविड़ शैली में बनाया गया है, और इसे स्थानीय भाषा में वेरुल लेनी के नाम से जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित यह मंदिर है। एलोरा की गुफाएं, जिसे बेसाल्ट चट्टानों को काट करके बनाया गया है, कुल 34 गुफाएं हैं जो हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। और एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है कैलाश मंदिर, जिसे राष्ट्रकूट वंश का राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर को बनवाने में 150 वर्ष का समय लगा था। एलिफेंटा की गुफाएं जो कि मुंबई महानगर के पास स्थित है, और इसमें कुल 7 गुफाएं हैं। एलिफेंटा की गुफाओं को भी राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था, और एलिफेंटा के गुफाओं में बने मंदिर भी भगवान शिव को ही समर्पित हैं। अगला सवाल, भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित भरतनाट्यम, जिसमें महाभारत और रामायण के पात्रों को मंच में विभिन्न भाव भंगिमाओं के माध्यम से सजीव किया जाता है, यह एक प्रकार का शास्त्रीय लोक नृत्य है, और किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। अगला सवाल, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी स्थापना हुई 1960 में, 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में, और जिसका हेडक्वार्टर पहले स्विट्जरलैंड में जिनेवा में स्थित था, बाद के दिनों में 1965 में इसे आस्ट्रिया की राजधानी वियना में ट्रांसफर किया गया। वर्तमान समय में ओपेक के कुल 14 सदस्य देश हैं। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ध्यान रखें,
ओपेक और एपेक दोनों अलग चीज हैं। अगर एपेक पूछे तो एपेक का मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में, और एपेक का हेडक्वार्टर सिंगापुर सिटी में स्थित है, लेकिन ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगला सवाल, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? जी हाँ, ऑरेंज बुक नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज है। नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था, और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और यहाँ की करेंसी है यूरो। अगला सवाल, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है? जी हाँ, आपको बता दें, मनुष्य के शरीर में कुल 1300 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम एक तरह की प्रोटीन होती है जो कि भोजन के डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनके अलावा भी एंजाइम कुछ शरीर के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन में कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। लाइसोजाइम मनुष्य के लार में पाया जाने वाला वह एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को मार देने का काम करता है। मनुष्य के मुंह में कुल 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, सलाइवा ग्लैंड पाई जाती है। टाइलिन एंजाइम जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, लाइपेज जो कि फैट को ग्लिसरीन में कन्वर्ट करती है, और माल्टेज जो कि माल्टोज को शुगर में शर्करा में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है? जी हाँ, आपको बता दें कि हैलोजन वो तत्व होते हैं जो कि सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो लवण को उत्पन्न करते हैं, और इनकी कुल संख्या 5 है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और एस्ट्रोटीन। एस्ट्रोटीन इसमें ऐसा है जो कि रेडियो एक्टिव कंडीशन में पाया जाता है, जबकि ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल एलिमेंट है, अधातु तत्व है, जो कि द्रव के अवस्था में पाया जाता है। फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैस की अवस्था में पाई जाती है, और मेंडलीव की आवर्त सारणी में 17वें वर्ग में इनको रखा गया है। इसमें आयोडीन एक ऐसा हैलोजन तत्व है जिसका उपयोग पेन किलर के रूप में, पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है, जिसका स्रोत है समुद्र का जल। अगला सवाल, एटीएम का आविष्कार किसने किया था? आपको जानकर के ताज्जुब होगा, एटीएम का आविष्कार जिसने किया था उसका जन्म 1925 में शिलोंग यानी भारत में हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जॉन शेफर्ड बार्नेस का, जिन्होंने एटीएम मशीन का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, और विश्व में सबसे पहले एटीएम मशीन लंदन में 27 जून 1967 यानी 1967 को बार्कले बैंक के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, जबकि 1969 में अमेरिका में जेपी मॉर्गन बैंक ने इस्टेब्लिश किया था। भारत में पहला एटीएम 1987 में, 1987 में एचएसबीसी यानी हांगकांग एंड शंघाई बैंक कारपोरेशन के द्वारा भारत का पहला एटीएम इस्टेब्लिश किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, लेप्चा जनजाति जिनको रोंग के नाम से भी जाना जाता है, और लेप्चा जनजाति भारत के सिक्किम में सबसे अधिक पाई जाती हैं। सिक्किम के अलावा ये जनजातियाँ दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। दार्जिलिंग सिक्किम से लगने वाला पश्चिम बंगाल का ही क्षेत्र है। सिक्किम भारत का वह राज्य है जिसकी सीमा भारत के सिर्फ एक ही राज्य पश्चिम बंगाल से लगती है। इसके अलावा सिक्किम भूटान से, तिब्बत से और नेपाल से अपनी बाउंड्री साझा करता है। सिक्किम जिसका उदय 1975 में एक राज्य के रूप में भारत में हुआ था, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम वर्तमान समय में जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे छोटा राज्य है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, वुड स्प्रिट का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, मिथाइल एल्कोहल यानी CH3OH को ही वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। मिथाइल एल्कोहल जिसे मेथेनॉल या फिर मिथिल एल्कोहल, कास्ट स्प्रिट या फिर कास्ट नेफ्था के नाम से भी जाना जाता है। इसे कास्ट स्प्रिट इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता था।
इसका उपयोग करने से इंसान आंखों से अंधा हो सकता है या दुनिया को अलविदा कह सकता है। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का किया गया? जी हाँ, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष के स्थान पे 6 वर्ष कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में लोकसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दिया गया था। अगला सवाल, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? जी हाँ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास किया गया था और इसे 19 नवंबर 1986 यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस पर इसे लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसका उल्लेख आर्टिकल 253 में किया गया है। अगला सवाल, हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है किसके कारण से? इंसुलिन की कमी से या इंसुलिन की अधिकता से, सोमेटोट्रोपिक की अधिकता से या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स की कमी से? तो आपको बता दें, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है जबकि इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है जो कि अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिका में बीटा कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है और जब इंसुलिन की कमी होती है तब डायबिटीज रोग हो जाता है यानी रुधिर में शर्करा की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जबकि जब इंसुलिन की अधिकता होती है तब ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है, इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं और इससे रोगी को शुरुआती दिनों में अधिक थकावट महसूस होती है और आंख से दिखाई देना धीरे धीरे कम हो जाता है। अगला सवाल, पाइटोसिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जी हाँ, पाइटोसिन हार्मोन्स जिसे ऑक्सीटोसिन के नाम से भी जाना जाता है और यह हार्मोन्स प्यूटेटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होता है। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड है, सबसे छोटी ग्रंथि है जो कि मनुष्य के मस्तिष्क में स्फेनॉइड बोन्स में सेला टर्सिका नामक एक छोटे से गड्ढे में पाई जाती है जिसका आकार मटर के दाने के बराबर होता है और 0.6 ग्राम के आसपास होता है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही ऑक्सीटोसिन या पाइटोसिन हार्मोन्स का श्रावण किया जाता है। यह हार्मोन्स लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ साथ मां के शरीर से दुग्ध स्राव के लिए भी पाइटोसिन जिम्मेदार होता है। गाय और भैंस से दूध प्राप्त करने के लिए जिस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है वो पाइटोसिन ही होता है, वो ऑक्सीटोसिन ही होता है जिसे सरकार के द्वारा अब बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला सवाल, तिरुनेल्ली मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ, केरल में वायनाड में स्थित है तिरुनेल्ली मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है और केरल के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। वायनाड से ही राहुल गांधी इस समय लोकसभा के सांसद हैं। केरल भारत का वह राज्य है जो कि अरब सागर से लगता है और केरल के तटीय क्षेत्र को ही मालाबार तट कहा जाता है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, रोवर्स कप विश्व की सबसे फेमस गेम फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल जिसमें दोनों तरफ खिलाड़ियों की संख्या 11-11 होती है। अगला सवाल, ग्रीन मफलर निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है? जी हाँ, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों किनारे अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। ध्यान रखें, वायु प्रदूषण के साथ साथ पौधे ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण ही ग्रीन मफलर है। अगला सवाल, पैराशूट का आविष्कार किसने किया? पैराशूट का आविष्कार फ्रांसीसी वैज्ञानिक एजी गर्लरिन के द्वारा किया गया और इन्होंने बकायदे खुद के द्वारा बनाए गए पैराशूट से इन्होंने एरोप्लेन से सफल छलांग भी लगाया था।
यानी पैराशूट का आविष्कार किसने किया? एजी गर्नरीन फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अगला सवाल, मैक संख्या किस राशि का मात्रक है? जी हाँ, मैक संख्या उच्च वेग का मात्रक है, हाई वेलोसिटी का मात्रक है। दरअसल किसी माध्यम में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसी माध्यम में साउंड स्पीड के बीच जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसे मैक नंबर के नाम से जाना जाता है। और स्पेशली एरोप्लेन के वेग को मापने के लिए मैक नंबर का प्रयोग किया जाता है। यानी मैक संख्या किस राशि का मात्रक है? हाई वेलोसिटी का, उच्च वेग का मात्रक है। अगला सवाल, निम्न में से किसे वर्ष 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है? आपको बता दें, वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी जो कि फ्रांस की है, एस्थर डुफ्लो, और अमेरिका के माइकल क्रेमर को, इन तीनों अर्थशास्त्रियों को सम्मिलित रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वैसे भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसी अर्थशास्त्री को मिला तो वो थे अमर्त्य सेन, जिसे 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपको बता दें, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1969 से हुई थी, दरअसल स्वीडन का बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन, जिसकी स्थापना 1669 में हुई थी। और इस बैंक के 300 वर्ष कंप्लीट होने के बाद 1969 से इकोनॉमिक्स नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई और पहली बार इसे रेगनर को प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ही एक ऐसा है, जब से शुरू हुआ है तब से प्रतिवर्ष दिया जाता है, वरना सभी पुरस्कार जिनकी शुरुआत 1900 में हुई थी किसी न किसी कारण से कैंसिल होते रहे हैं। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। अगला सवाल, निपाह वायरस पाए जाते हैं? जी हाँ, निपाह वायरस पिछले साल केरल में चमगादड़ों में पाए गए थे, जिससे कि मनुष्य के भी संक्रमित होने का भय खतरा बना रहता है। हालांकि वर्तमान समय में पाया जाने वाला कोरोना वायरस भी चमगादड़ों से ही मनुष्य तक पहुंचा है, जो कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। विश्व के सभी देश परमाणु के पीछे भाग रहे थे और ये छोटा सा विषाणु ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, भारत के पहले सीएजी यानी कैग कौन थे? जी हाँ, भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इस पद का सृजन सबसे पहले 1857 में, यानी रिपोर्ट 1857 के बाद ही लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य था समस्त वित्तीय कार्य प्रणाली पर नजर रखना, और तब इसे महालेखा परीक्षक के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद इसे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नाम कर दिया गया, जिसका उल्लेख भाग 5 में आर्टिकल 148 से 151 के बीच किया गया है। भारत में कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि 6 वर्ष की अवधि तक या अपनी अधिकतम 65 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर बना रहता है। भारत के पहले सीएजी थे नरहरि राव, जो कि 1948 से 54 तक रहे थे, और वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं राजीव मिस्त्री। अगला सवाल, कामा माटागारू प्रकरण से कौन क्रांतिकारी संबंधित है? जी हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान बाबा गुरुदत्त सिंह के द्वारा भाड़े पर जापान का जहाज कामा माटागारू खरीदा गया और 351 लोगों को उस जहाज में लेकर के बाबा गुरुदत्त सिंह कनाडा के बैंकवर में पहुंचे। कनाडा पर उस समय अंग्रेजों का अधिकार था और उस समय के नियमों के अनुसार ऐसे भारतीय लोग जो दूसरे देशों से होते हुए कनाडा में पहुंच रहे थे, उनके पहुंचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसलिए बैकवर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कामा माटागारू जहाज को वापस कर दिया। बाबा गुरुदत्त सिंह कामा गाटा मारू को लेकर के वापस आए और कोलकाता के बजबज नामक बंदरगाह पर 27 सितंबर 1914 को अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को जहाज से उतरने से रोका। इसलिए
झड़प हुई और अंग्रेजों के द्वारा फायरिंग में 19 लोग अपनी जिंदगी गंवा दिए। इस घटना को ही कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है। इससे कौन से क्रांतिकारी संबंधित हैं? बाबा दुर्गादत्त सिंह संबंधित हैं। भारत सरकार के द्वारा इस घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2014 में 100 रुपए के सिक्के जारी किए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बीएचयू की स्थापना में सर्वाधिक 10 लाख का आर्थिक सहयोग देने वाले मीर उस्मान अली खान कहां के निजाम थे? जी हां, बीएचयू जिसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था और बीएचयू की स्थापना में मदन मोहन मालवीय के द्वारा विभिन्न लोगों से सहयोग लिया गया और उस क्रम में हैदराबाद के निजाम जिनका नाम मीर उस्मान अली खान था और इन्होंने व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक 10 लाख रुपए का सहयोग किया था, जबकि काशी नरेश के द्वारा बीएचयू यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान में दी गई थी। बढ़ते हैं बेस्ट फीचर ऑफ द सेशन क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? इस सवाल का जवाब आपको बताना है। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था असी किसकी सहायक नदी है? असी गंगा की सहायक नदी है और बनारस का नाम वाराणसी, वरुणा और असी नदियों के सम्मिलित रूप से ही वाराणसी हुआ था। तो ये था आज का सेशन। नेक्स्ट डे न्यू सुपर 30 वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।